नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। उज्जैन के आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विक्रम विश्वविद्यालय के मेन गेट पर धरना देते हुए छात्र छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। छात्र छात्राओं के मुताबिक पूर्व में हुई परीक्षा में परीक्षार्थियों की कॉपी ठीक से नहीं जांची गई। 60 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने पूरी थीसिस लिखी, लेकिन फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया। कुलपति ने भरोसा दिलाया था कि प्रभावितों की कॉपी फिर से चेक की जाएगी, लेकिन कुलपति अपनी से मुकर गए। हम आरडी गाड़ी के स्टूडेंट्स हैं, हमें जस्टिस चाहिए। हमें जानबूझकर रोका गया है प्रैक्टिकल्स में, और हम चाहते हैं हमारी कॉपियों की फिर से जांच हो। अभी हमें बोला था कि हमारी एक्सपर्ट कमेटी बैठ के कॉपियों की जांच होगी, बट आज वो साफ उस बात से मुकर गए। तो हमें हमारी कॉपियों की जांच करके फिर से रिजल्ट दिया जाए। हम दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। 60 स्टूडेंट्स, लगभग 60, और वो सारे बच्चे थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।